नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल बीएलई लाइव सपोर्ट पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत से ऐसे वीडियो बनाया है जहां पर जो किसान भाई हैं वो आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से केवाईसी करना है और केवाईसी क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर एक पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये की किस्त पाते हैं तो आप कैसे चेक कर पाएंगे, लिस्ट कैसे निकाल पाएंगे कि आपको ई केवाईसी कराना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आपसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि दोस्तों और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों आपको सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आपको डालना है pmkisan.gov.in और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक दिखाया गया है कि आपको फिर से मैं बता देता हूँ। फिलहाल दोस्तों फिलहाल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ये केवाईसी बहुत ही ज़रूरी है। जो भी पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपये का जो किस्त पाते हैं जो भी किसान, उन्हें अपना आधार से ऑथेंटिकेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपने आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं, या आप किसी भी सीएससी पर जाकर अपने केवाईसी करवा सकते हैं वो भी बायोमेट्रिक के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर ई केवाईसी का ऑप्शन दिया गया है। फिलहाल दोस्तों ये ई केवाईसी का जो ऑप्शन है अभी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही वर्क करेगा इसका वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों जहाँ पर हम जानने वाले हैं कि हमें केवाईसी किन किन किसानों को केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट सक्सेस का एक ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है, डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको सबसे पहले अपना जो भी स्टेट है तो आपको सबसे पहले अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं ऐसे ही एक डेमो के अनुसार आपको एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो विलेज है, जो विलेज जहाँ पर आ जाते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर एक विलेज ले लेता हूँ। और उसके बाद आपको शो बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और इस प्रकार से आपके सामने जो है लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर फार्मर रजिस्टर्ड जितने भी जो भी आपने यहाँ पर विलेज को सेलेक्ट किया, उस विलेज में कितने फार्मर हैं, कितने फार्मर को पीएम किसान का पेमेंट आ रहा है और किनका रिजेक्ट है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आधार स्टेटस के बारे में। जहाँ पर हम जो केवाईसी करेंगे वो आधार के माध्यम से ही की जाएगी। तो यहाँ पर कितने किसानों के आधार एक्सेप्ट किए गए हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है रिसीव पार्ट, सॉरी यहाँ पर नीचे रिजेक्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है और इनवैलिड पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट दिखा रहा है और यहाँ पर इनवैलिड। तो यहाँ पर जो भी किसान सो हो रहे हैं उन किसानों को केवाईसी कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आना है आपको रिजेक्ट। चलिए मैं रिजेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको किसान की जो लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट आधार की एक लिस्ट मिलेगी और उसके बाद जो रिजेक्ट आधार हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जितने भी किसान यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं वो अपने किसान जो हैं अपना पीएम किसान का जो केवाईसी है वो जल्द से जल्द जो प्रक्रिया चालू होगी आप उसमें करवा लें, जैसे कि यहाँ पर जो पीएम किसान की किस्त है वो बड़ी ही आसानी से आ सके। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनवैलिड आधार, जो भी किसान हैं जिनका आधार लगा हुआ है लेकिन उनके पीएम किसान पोर्टल पर इनवैलिड शो हो रहा है, तो उनके लिस्ट यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से अपने जो विलेज है, जिस भी विलेज से आप बिलोंग करते हैं, उस विलेज में बहुत ही आसानी से किसानों की इस प्रकार से लिस्ट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि किन किसानों की केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।